सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर आज क्रिसमस था तो मूड ऑफ था, तो इसलिए सोचे थोड़ा घूम लेते। कोविड का तो थोड़ा रहना चाहिए, लेकिन लोग इंजॉय भी तो करना जरूरी है मैम। आज के दिन हम लोग दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट किए, अभी शाम में घूमने आए। नमस्कार, मैं हूँ सुमिरन सिन्हा, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। आज क्रिसमस है, लोगों ने क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट किया है यहाँ पे लोगों से बात करने आई हूँ। यहाँ पे कोविड का तीसरी लहर को देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों ने अपने आप को कितना प्रिकॉशन में रख करके यहाँ कैंडल जलाने आए हैं और मस्ती करने आए हैं। आइए लोगों से बात करके जानते हैं। आज क्रिसमस है और आप क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैम, मेरे अभी तो मैं पटना में नहीं न्यू हूँ और यहाँ पर मेरे कोई फ्रेंड है नहीं, इसलिए मैं अभी शाम को मैं घूमने के लिए यहाँ आया, और कुछ नहीं। तो अभी आप घूमने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो कोविड की तीसरी लहर जो चल रही है अभी, तो आप अपने आप को कितना सेफ रख करके यहाँ पे आप घूमने के लिए निकले हैं? मैं अपने साथ मास्क लगा के घूमता हूँ, मतलब ड्यूटी भी जाता हूँ मैं तो अपना मास्क यूज करता हूँ, क्योंकि कोविड-19 का तो अति है और तीसरा वेव भी आने ही वाला है, तो इसका मतलब जो रेस्क्यू है चालू हो चुका है, क्योंकि बिहार में तो इतना नहीं है पर अदर स्टेट में है। जी, बिहार में नहीं है लेकिन अदर स्टेट में है, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे कोरोना का भी बहुत केस निकलने लगा है, बहुत केस आ भी रहा है अभी। हाँ, वो बहुत केस आ भी रहे हैं और आम पब्लिक इस पर कोई अथी नहीं है अभी, आम पब्लिक को इससे भी कोई मतलब रूबरू ही नहीं है। लेकिन देखने को मिल रहा है यहाँ पे कितने लोग बिना मास्क बिना सैनिटाइजर कोई प्रिकॉशन में नहीं घूम रहे, क्योंकि आगे मैंने चर्च में गई हूँ तो वहाँ पे देखने को भी यही मिला है कि सब बिना मास्क के और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं है, बिल्कुल सट सट के लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? वो तो देखिए, आम पब्लिक वो तो अपनी मतलब माइंड सेटिंग है, ये कोरोना वेव तीन साल से ये हो रही है, मतलब अपना थोड़ा हेल्थ के लिए मतलब प्रिकॉशन रखना जरूरी है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर यूज करना बहुत ज़रूरी है और मतलब हाथ धोना अति करना ये सब जरूरी है, और सेफ्टी तो सबसे ज़रूरी है, लाइफ है सब कुछ है, नहीं तो लाइफ भी नहीं तो कुछ नहीं है। क्रिसमस है और आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को, क्योंकि अभी कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो अपने आप को कितना प्रिकॉशन में रख करके आप बाहर निकले हैं घूमने के लिए? जिस तरह से मैं डेली उस तरह से स्टडी कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर आज क्रिसमस था तो मूड ऑफ था, तो इसलिए सोचे थोड़ा घूम लेते हैं। मतलब आपका मूड ऑफ था इस वजह से आप थोड़ा घूमने निकल गए? हाँ, मतलब पढ़ते पढ़ते हो जाता है ना, अभी थोड़ा वैकेंसी इस तरह से अच्छा से एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है, कभी कोविड का कभी कुछ का किसी तरह से हो जाता है, एग्ज़ाम लेट हो जा रहा है। तो अभी फिर से तीसरी लहर जैसा कि ओमिक्रॉन वो आने वाला है और आ भी गया, कितने लोगों को प्रभावित कर चुका है, तो इसमें आप सोच रहे हैं मतलब एग्ज़ाम देने का, तो फिर आप कैसे एग्ज़ाम इसमें दे पाइएगा? एग्ज़ाम तो हो सकता है ना, जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, रैली हो रहा है, तो उसके रूल रेगुलेशन का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके तो एग्ज़ाम ले सकते हैं ना। इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकते हैं? जरूरी ऐसा थोड़ी है कि हमेशा पोस्टपोन सिर्फ एग्ज़ाम ही हो और इलेक्शन ना हो। अभी आप देख लीजिए 2022 में यूपी का इलेक्शन है, हाई कोर्ट का नोटिस आया है कि उसको पोस्टपोन किया जाए, मतलब डेट आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि बिना किसी से डिसीजन लिए डायरेक्ट पोस्टपोन कर दिया जाता है। बीपीएससी का ही ले लीजिए, अभी 23 को हमारा पेपर था 23 जनवरी को, लेकिन हमारे पास 45 डेज अभी गवर्नमेंट के पास थे, लेकिन फिर भी हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होते तो वो 45 डेज में शॉर्ट आउट कर सकते थे उस प्रॉब्लम को, लेकिन नहीं किए और एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया, नेक्स्ट डेट भी नहीं दिए। तो इस सबसे हमारे मतलब हमें ही प्रॉब्लम होते हैं, बट हमारे प्रॉब्लम को कौन सुनने को तैयार है? अरे मतलब आपका कहना है कि इलेक्शन को टाला नहीं जाता है लेकिन एग्ज़ाम को टाल दिया जाता है? ये ज़रूर आप देख लीजिए ना, आप हर एग्ज़ाम का देख लीजिए, यही है, और इलेक्शन का देख लीजिए, जब बंगाल का इलेक्शन था तो आप देख ही थे उस समय सेकेंड वेव था, और उसके बाद भी देखिए रैली पर रैली हो रहे थे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है तो तुरंत पोस्टपोन कर दिया जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाते हैं, और फिर साल दो साल डेढ़ साल को देखते ही नहीं है उसे। यहाँ तक कि हमारे पे अगर हम लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं, बिहार की बात कर रहा हूँ, अगर प्रोटेस्ट करते अगर कुछ करते हैं तो क्या होता है ऊपर से कि अगर प्रोटेस्ट करते हुए पकाया जाते तो आपकी वो रद्द कर दी जाएगी, ये कर दी जाएगी, मतलब कि हमारा फ्रीडम भी हमसे छीन लिया जाता है। तो बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइम चल रहा है लेकिन लोग का यहाँ पे भीड़ भी देखने को मिल रहा है, इसमें आप अपने आप को कितना सेफ करके यहाँ पे आप कैंडल जलाने आए हैं? मैम, सोशल डिस्टेंसिंग का तो है यहाँ पे ठीक, थोड़ा मतलब कोविड का तो थोड़ा रहना चाहिए, लेकिन लोग इंजॉय भी तो करना ज़रूरी है मैम। तो अभी जैसे कि अभी
न्यू ईयर नजदीक है जी, तो आप कैसे उसको सेलिब्रेट करेंगे? बाहर जाकर के घूमना चाहेंगे या फिर घर पे सेलिब्रेट करेंगे? मैम घर पे ही रहना सही रहेगा, घर पे ही रहना सही रहेगा। यहाँ पे लोगों का भीड़ भी देखने को मिल रहा है, आप किस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट किए हैं? आज के दिन हम लोग दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट किए, अभी शाम में घूमने आए हैं, देखने आए हैं कि क्या हो रहा है, और आज हम लोग को आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी जो कोविड की तीसरी लहर जो चल रही है, इसमें आप अपने आप को कितना सेफ रख के सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसीलिए तो हम लोग थोड़ा मास्क लगा कर चल रहे हैं और थोड़ा लोगों से दूर भी रह रहे हैं, ज़्यादा हम लोग भीड़ में अंदर नहीं जा रहे हैं, बस बाहर से ही देख कर हम लोग निकल जा रहे हैं, ज़्यादा हम लोग अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो आप घर पे सेलिब्रेट करना चाहेंगे या फिर बाहर घूमने जाइए? देखते हैं हालात क्या होता है, क्योंकि अभी एक सप्ताह तो टाइम है, सरकार क्या डिसीजन लेता है हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे, यही देखते हैं। और लोग यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं? नॉर्मली सबको यही राय दे रहे हैं कि कोविड-19 का पालन कीजिए, दूर रहिए और घर में सेफ रहिए, और क्या। तो देख रहे हो यहाँ पे मिल रहा है लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना सैनिटाइजर, और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कर रहे हैं सर? आप भी मास्क नहीं लगाए हैं अभी? हम लोग खा रहे हैं इसलिए नीचे रखे हुए तो हैं ही पास में, अब खाएंगे तो लगा के ही खाएं, तो फिर नीचे करें या फिर ऐसे कहें तो गलत तरीका है ना। हम लोग तो अपना तो अभी ये न्यू ईयर नज़दीक है, तो आप कैसे सेलिब्रेट कीजिएगा? बाहर जा कर के सेलिब्रेट कीजिएगा फिर घर पर सेलिब्रेट कीजिएगा? नहीं करेंगे, घर में ही रह कर करेंगे, ज़्यादा सेफली है क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है। यही राय देंगे कि भाई आप लोग भी घर में रहिए, सेफ रहिए और घर में ही ज़्यादा सेलिब्रेट कीजिए, यही बेहतर है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।